नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक ऐसी कहानी जिस पर हर कोई यकीन फिलहाल नहीं कर पा रहा है, एक ऐसी कहानी जिस पर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक चर्चा हो रही है और एक ऐसी कहानी जिसमें फिलहाल जो है अब एटीएस की एंट्री हो चुकी है। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, सीमा हैदर केस से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एटीएस जो है यूपी एटीएस सीमा हैदर को एक बार फिर से जो है पूछताछ के लिए लेकर पहुंची है। लेकिन सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुए। इतना ही नहीं, देखिए मोबाइल फोन के साथ साथ एक सिम कार्ड जो है वो भी बरामद हुआ है और एक मोबाइल फोन जो है वो पूरी तरह से टूटे हुए हालात में मिला है। यानी कि अब जो है ये कोशिश की जाएगी यूपी एटीएस की तरफ से कि ये जो टूटे हुए फोन है उनमें से जानकारियां जो है वो किस तरीके से जुटाई जा सके। आप ये समझिए, दावा ये किया जा रहा है कि सीमा से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनका डेटा जो है वो पूरी तरह से पहले से ही डिलीट किया जा चुका है। यानी कि डेटा डिलीट करने के बाद अब ये कोशिश की जाएगी कि डेटा को किस तरीके से रिट्रीव जो है वो किया जाए और नोएडा पुलिस जो है वो डेटा को रिकवर करने में लगातार जुटी हुई है। तो आप ऐसे में समझिए कि अब लगातार पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो जो मोबाइल फोन मिले, यानी कि 4 मोबाइल फोन मिले जिसमें से एक जो है पूरी तरह से डैमेज है, अब उस मोबाइल फोन को रिकवर करने के लिए जो है कोशिश ये की जा रही है यूपी एटीएस की तरफ से कि पूछताछ के बाद जो है उन तमाम डेटा को रिट्रीव किया जा सके। लेकिन देखिए सीमा हैदर के घर के बाहर जो है हम मौजूद है, हालांकि अभी जो है सीमा या फिर सचिन जो है वो घर पर मौजूद नहीं है। कल देर रात से सचिन जो है वो घर नहीं पहुंचा है क्योंकि कल एटीएस जो है वो लेकर गई थी सचिन को, लेकिन उसके बाद से देर रात से जो है वो यहाँ पर नहीं आया। हालांकि कल सीमा घर वापस आई थी, लेकिन सुबह सवेरे एक बार फिर से जो है यूपी एटीएस जो है वो सीमा को यहाँ से जो है वो लेकर जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए एफआईआर कॉपी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी जो एफआईआर में लिखा गया है, सीमा हैदर के ऊपर जो एफआईआर हुई है, तो सीमा हैदर के ऊपर जो एफआईआर हुई है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट के पास जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि 4 मोबाइल फोन मिले हैं जिसमें से एक तो पूरी तरह से डैमेज है, अब उसका डाटा रिट्रीव किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, मोबाइल फोन के डाटा को लेकर सबसे अहम चीज ये जुड़ कर आ रही है कि जो मोबाइल फोन में व्हाट्सएप और उसका चैट था वो डिलीट किया गया है सीमा हैदर के फोन से, और ये चैट्स किस किस नंबर से थे उन नंबरों को डाटा रिट्रीव करने के बाद ही हासिल किया जा सकेगा। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट किए गए हैं, उनको अब पता लगाना है। और यही वजह है कि एटीएस को ये जांच का जिम्मा सौंपा गया था और एटीएस अब उन नंबरों को खंगालेगी। और वहीं साथ ही जो व्हाट्सएप से डाटा डिलीट किया गया है उस चैट को जानना बहुत जरूरी है, आखिर वो किस किस नंबरों से चैट किए गए थे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाने की यहां पर बात सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक ये सारी चीजें जो है जांच के दायरे में रखी जाएंगी। और इसी वजह से अब चैट को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जो मोबाइल फोन नंबर टूटा हुआ था वो किसका था, सचिन का था तो कैसे टूटा, या फिर अगर पाकिस्तान से वो फोन लेकर आई थी तो वो फोन यहां तक लाने का मकसद क्या था, क्या उसके अंदर कोई वीडियोग्राफी बन सकती थी या फिर कुछ ऐसी चीज है जो हर तरह से यहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें एटीएस यहां पर पूछताछ में हासिल करना चाहेगी। और लेकिन अभी तक जिस तरह से जवाब नहीं दिए सीमा ने, एक दिन पहले जिस तरह से सोमवार की शाम को उससे तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी, उस दौरान भी सीमा ने कई सवालों का जवाब घुमा फिरा कर दिया था, जिससे एटीएस की टीमें संतुष्ट नहीं थी। और सचिन जो सीमा के साथ उसके साथ रह रहा था, सचिन को देर रात से घर में वापस नहीं भेजा गया था, यानी एटीएस के पास वो पहले से ही था। और एटीएस अब उसके पिता नेत्रपाल से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी तो सचिन यहां से उससे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए वीडियो के जरिए बातचीत करता था, अपने परिवार से भी बात कराता था। हालांकि परिवार ने साफ कहा था कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो इस तरह के विरोधाभासी जो बयान है उनकी यहां पर पड़ताल इस वक्त चल रही है और एटीएस चाहती है कि एक एक पहलू को यहां पर देखा जाए। जो एजेंट उसे पाकिस्तान से सऊदी अरब और वहां से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल करा सकता है वो एजेंट कौन था, क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई एजेंट मुहैया कराया गया था क्या? और दीपक सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब पुलिस की तरफ से एटीएस की तरफ से पूछताछ की जा रही है तो ये जांच पड़ताल की कोशिश की जाएगी, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या सिर्फ जो है प्यार के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में जो है सीमा जो है वो सीमा पार करके जो है हिंदुस्तान की धरती पर पहुंच गई है। और यही सारे सवालों के साथ जो है यूपी एटीएस जो है लगातार पूछताछ कर रही है।
लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए जहां पर एक तरफ सिम कार्ड को लेकर लगातार यूपी एटीएस की तरफ से डेटा जो है वो रिट्रीव किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये समझिए कि जिस मोबाइल फोन से लगातार सचिन से बात सीमा की तरफ से की जा रही थी, अब उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। उस फोन के डेटा को भी जो है खंगाला जा रहा है, साथ ही कॉलिंग डिटेल्स जो है वो निकाली जा रही है। सिर्फ सीमा के फोन को नहीं, सचिन और सचिन के पिता के फोन को भी जो है वो लगातार खंगालने की कोशिश जो है वो यूपी एटीएस की तरफ से की जा रही है, ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की आखिर किस किस से जो है लगातार बात की गई थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2019 से जो है ये लोग लगातार कांटेक्ट में थे। और इतना ही नहीं, आप पबजी खेलते खेलते एक गेम खेलते खेलते जो है दोनों की चैटिंग पर बात हुई और उसके बाद दोनों का जो है नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद लगातार दिन रात फोन पर बात होती रही और सोचिए प्यार जो है वो कुछ इस तरीके से परवान चढ़ा कि सीमा पार जो है वो पाकिस्तान छोड़कर अब पहुंच गई हिंदुस्तान की धरती पर, ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में, जहां की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब जांच की सुई जो है वो सीमा तक पहुंच गई है और वो इसीलिए क्योंकि देखिए अगर सीमा प्रॉपर वीजा लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचती तो एक बारी को समझ आता कि आखिर किस तरीके से जो है वो मोहब्बत की वजह से जो है वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अपने चार बच्चों को जो है नेपाल के रास्ते यहाँ पर लेकर जो है सीमा पहुंची। तो देखिए एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी जानकारी सीमा हैदर से जुड़ी हुई, जहां पर एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे कि अब जो है यूपी एटीएस की तरफ से लगातार जो है दूसरे दिन पूछताछ सीमा हैदर से की जा रही है। और ये घर देखिए, हम आपको सीमा हैदर का घर भी दिखा रहे हैं, यही वो घर है जहां पर सीमा हैदर जो है वो सचिन से मुलाकात करने के लिए पहुंची। लेकिन आप ऐसे में समझिए आज दूसरा दिन है जब सीमा हैदर से जो है पूछताछ की जा रही है। सुबह सवेरे जो है एटीएस की टीम यहां पर पहुंची, ये सीमा हैदर और सचिन का घर जो है आपको नजर आ रहा होगा यहीं पर जो है लगातार। जिस पहले दिन जब यहां पर सीमा पहुंची थी तो किसी को यकीन नहीं हुआ था कि आखिर सीमा पार करके यानी कि एक देश से दूसरे देश कैसे जो है एक महिला जो है चार बच्चों को लेकर पहुंच जाती है। लेकिन अब आप इन सब बातों में समझिए कि दूसरे दिन लगातार पूछताछ हो रही है, सचिन रात से घर नहीं पहुंचा है, जो सचिन के पिता है वो भी नहीं पहुंचे। मैं दीपक के पास ले चलती हूँ, दीपक लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। दीपक क्या जानकारी है, क्या सचिन के पिता रात को घर यहाँ पर पहुंचे थे और कितने घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है? देखिए सोमवार की दोपहर तकरीबन 2:10 के आसपास एटीएस की टीम यहां पहुंची थी और यहां से सचिन और सीमा को लेकर गई थी, उसके अलावा सचिन के पिता नेत्रपाल को भी लेकर गई थी। और देर रात को तकरीबन 10:30 तक बातचीत और पूछताछ का दौर चला। एटीएस ने कई सवाल जवाब पूछे, 7 घंटे की पूछताछ के बाद भी सीमा हैदर और उसके परिवार के लोगों से यानी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई ऐसा जवाब जिसे वो तलाशना चाहती थी वो पूरा नहीं हुआ। जिसके बाद आज सुबह एक बार फिर सीमा और उसके पिता सचिन के पिता नेत्रपाल को पुलिस लेकर गई है, क्योंकि सचिन अभी भी एटीएस की कस्टडी में माना जा सकता है, वहीं पर है। और अब दोबारा पूछताछ का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि कई ऐसे सबूत जो दस्तावेज सीमा हैदर अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आई है उसकी यहां लाने की वजह क्या है। और सबसे अहम चीज, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत से उस पर आरोप लग रहे थे कि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है या किसी एजेंट के जरिए वो यहाँ दाखिल हो सकती है, तो इस तरह की चीजें जो है उसको जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए एटीएस यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या ये एक साजिश थी, क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। इन सभी सवालों को लेकर लगातार एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए एक एक पहलू से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है पाकिस्तान में, कराची में, उनके घर से लेकर उनके पासपोर्ट से लेकर उनके परिवार को लेकर जो है सवाल जवाब लगातार कल सीमा से जो है किए गए। कल 7 घंटे पूछताछ हुई और आज भी सुबह सवेरे जो है यूपी एटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर को यहां से जो है वो लेकर पहुंची है और साथ ही सचिन उनके साथ लगातार मौजूद है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पिछले 24 घंटे में ये कहानी जो है वो कहां से कहां मोड़ ले गई। पाकिस्तान की सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल जुड़ चुका है। पबजी के जरिए प्यार और उस प्यार के खातिर भारत तक का सफर सीमा ने बिना किसी डर के तय कर दिया। ये बात खुफिया एजेंसियों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी।
के इस बीच खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली कि सीमा हैदर के परिवार का सदस्य पाकिस्तानी सेना में है, जिसे सुनकर उनका शक और मजबूत हो गया। हकीकत क्या है उसे जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पहुंची। सचिन सीमा और उसके चार बच्चों को अपने साथ ले गई और फिर शुरू हुई सवालों की लंबी फेहरिस्त। 2:06 एटीएस की टीम सचिन मीणा के घर पहुंची। सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से एटीएस ऑफिस चलने की बात कही। करीब एक घंटे बाद 3:15 पर सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ शुरू होती है, जो करीब 7 घंटे तक जारी रही। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जो सवाल पूछे गए थे वो कुछ इस तरह थे। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल और नेपाल से फिर भारत कैसे आई? सीमा के पास मोबाइल और उसके नंबर के बारे में पूछा गया। सीमा हैदर से उसके पति गुलाम हैदर के बारे में जानकारी ली गई। सीमा हैदर के पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट के बारे में पूछा गया। सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात के बारे में जाना गया। इसके अलावा एटीएस की टीम ने सीमा से पबजी ग्रुप में सचिन के अलावा कितने लड़कों से बात हुई इसकी जानकारी जुटाई। उसके परिवार के बारे में पूछा गया और नेपाल में सचिन के मुलाकात के बारे में भी जाना। किस सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिन रहे, उस दौरान वो नेपाल में कहां कहां गए और किस किस से मिले। सीमा हैदर के पूरे परिवार में माँ, पिता, भाई बहन के अलावा कौन कौन है। सीमा के भारत आने के पीछे मकसद क्या सिर्फ सचिन से प्यार है? सीमा के भारत आने के पीछे दूसरी वजह क्या है? कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानों गांव की रहने वाली हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी रहीं, तो उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए।